सो सोहेगा ही स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई अडानी विलमार को लेकर अडानी विलमार में आपने देखा होगा भी आज हमें सुबह तेजी देखने को मिली बट उसके बाद जो स्टॉक है फिर ऊपर के भाव से हमें जो ना अभी टूटते हुए नज़र आए फिसलते हुए नज़र आए क्लोजिंग जो है वो भी आपको जो है ना थोड़ी बहुत नेगेटिव देखने को मिली है पॉइंट के करीब जो स्टॉक है वो नेगेटिव क्लोजिंग लेते नज़र आया है और जो वॉल्यूम आई है नाइन मिलियन जी हाँ नब्बे लाख के करीब की वॉल्यूम भी हमें देखने को मिली है तो चलिए अभी जानते हैं डिटेल में आखिरकार स्टॉक का आगे का क्या कुछ माहौल रहेगा क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना सही है या फिर स्टॉक में अभी और रैली बाकी है ठीक है टू के आसपास स्टॉक ने लो लगाया था पीछे वहाँ से स्टॉक जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी ले रहा है और अपने बाउंड भी खाए जाए तो अभी भी फोर्टी परसेंट गिरावट में स्टॉक है तो चलिए देख लेते हैं अभी डाटा वगैरह कैसा है और उसका कैसा इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा जैसा कि आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कंपनी के रिगार्डिंग उसके बाद तो देखो भाई धमाका ही धमाका हुआ है यू एस से जो है अभी ग्रुप को आ, क्लीन चिट मिलना इंडिया की तरफ से क्लीन चिट मिलना ठीक है और बीजेपी गवर्नमेंट आना तो बहुत सारे बेनिफिट जो ना भी इस पूरे ग्रुप को हुए और पूरे ग्रुप के अंदर जिस भी कंपनी के अंदर जिसने भी पैसा लगाया उसको भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है अभी इस भाव में तो चलिए देखते डिटेल में आखिरकार आगे के क्या माहौल बन सकती है इस स्टॉक में क्या प्रॉफिट बुकिंग करना इस लेवल पर सही रहेगा या फिर अभी होल्डिंग बनाए रखें या फिर नीचे में सपोर्ट पकड़ के चलें तो चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे डानी विलमार का जो डाटा रहा है प्रीवियस क्लोजिंग 396 ओपन कहाँ पर थ्री हाई स्टॉक ने लगाया 406 का 400 के ऊपर में स्टॉक निकला ना भी आज फिर उसके बाद आप लोग देखोगे 390 का लो रहा है क्लोजिंग 395 के आसपास तो ऐसे में आप लोग देखोगे स्टॉक में सारे माहौल बने पहले तेजी बनी फिर स्टॉक नीचे आया क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास हुई है ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर एक सेल ऑर्डर आया है जो कि सात हज़ार चार सौ तिरतालीस क्वान्टिटी का है डिलीवरी पोजिशन की अगर बात की जाए तो सैंतीस परसेंट डिलीवरी ठीक ठाक उठी है भाई तो चलिए इस गिरावट के अंदर शेयर खरीदे गए हैं अच्छे तो अब देख लेते अभी इसका चार्ट तो यहाँ पर आप लोग देखो कि थ्री नाइन्टी फोर के हमारे जो टारगेट थे वो स्टॉक ने अचीव किए थे इसके ऊपर में भी स्टॉक निकला चार सौ छः तक लेकिन आज स्टॉक में ऊपर के भाव से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिली है जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा दबाव है तो यहाँ से आप लोग देखोगे मैं पहले आपको बोल देता हूँ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक हल्का सा डीप आ सकता है और इसी स्टॉक में नहीं पूरे अडानी ग्रुप के शेयरों में आएगा वो तो क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली दिखा चुका है टू सॉरी टू एटी थ्री के आसपास से स्टॉक में तेजी बनना स्टार्ट हुई थी और वहाँ से आप लोगों को देखो कि स्टॉक नॉन स्टॉप चार सौ प्लस निकला है ठीक है लगभग स्टॉक में जो ना भी पचास परसेंट के करीब की जो रैली है वो बनती हुई नजर आई है ना अभी चालीस से पचास परसेंट तो काफ़ी अच्छी बात है तो यहां से आप लोग देखोगे भी इसके अंदर सपोर्ट जो हमें पकड़ के चलना चाहिए वैसे तो थ्री सेवेंटी वन का सपोर्ट है ठीक है तीन चौरानवे के आसपास शेयर है तो थ्री सेवनटी वन का सपोर्ट है इसके ऊपर अभी बने रही है उसके बाद थ्री सिक्सटी सेवन इसका हंड फिफ्टी ई एम ए है थ्री नाइनटी फो थ्री फोटी नाइन का इसका फिफ्टी ई एम ए है तो यहाँ पर आपको जो ना अभी ये अगर ये स्टॉक तीन सौ सत्तर के ऊपर में रहे तो अभी बने रही है भाई ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हल्की फुल्की करेक्शन आती है तो आपके लिए मौका साबित हो सकता है तो थ्री सेवेंटी वन के ऊपर में स्टॉक में बने रही है अगर गिरावट आती है इसके नीचे में फिर देखते भी कैसे माहौल बनते है। लेकिन जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं फ्रेश इंट्री के देखो भाई किसी की हिम्मत नहीं हो रही कितने एकदम से देखो भाई थोड़े से टाइम में स्टॉक के अभाव में पहुँचा है हाँ लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अच्छी खासी रैली बन सकती है जिस प्रकार हेड की रिपोर्ट के कारण स्टॉक में गिरावट बनी लेकिन इसके बिजनेस के कारण भी स्टॉक में काफ़ी फॉल हुआ है भाई बिजनेस भी इसके काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं ठीक है इसके जो पीछे के रिजल्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब आते हुए नजर आए हैं तो उन सबका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट रहे स्टॉक के ऊपर ठीक है अब अडानी जो ग्रुप है वो भी यहाँ से अपनी जो होल्डिंग है वो बेचने के बारे में बोल रहे हैं ठीक है तीन महीने के बाद उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा तो इस स्टॉक को अगर आप लोग तीन सौ इकहत्तर के ऊपर में पकड़े रखते हो ठीक अच्छी बात है तो क्वार्टर थ्री तक होल्ड कर सकते हो या फिर आप लोग देखोगे दो हजार चौबीस के इलेक्शन तक बेस्ट रहेगा और इस स्टॉक के जो ऊपर में टारगेट है फोर हंड्रेड एंड फिफ्ट टू फाइव हंड्रेड के मूवमेंट स्टॉक में बन सकते हैं क्वार्टर थ्री तक ठीक है तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट कब आएंगे जनवरी के अंदर आएंगे तो एक महीने का टाइम है एक महीने में अगर स्टॉक पांच सौ तक जाता है बहुत अच्छी बात है वही लेकिन आपको सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद है लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग या अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी खबर या फिर आ, कुछ अपडेट आए वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो